का मतलब होता है जो हर एक पदार्थ, हर एक सब्सटेंस जो बनता है, हर एक छोटा छोटा कणा या पार्टिकल से बनता है। जैसे ये पेन बनाए तो ये पेन हर एक पार्टिकल से, हर एक प्लास्टिक का प्रॉपर्टी से घर के, मतलब हर एक जुड़ के, हर एक पार्टिकल्स, हर एक पाना, हर एक मॉलिक्यूल्स जुड़ के ये पेन बना है। तो ये पेन का हर एक पार्टिकल्स, हर एक कणा हमेशा चाहेगा कि उसका प्रॉपर्टी अखंड रहे, उसको मतलब कोई भी तोड़ नहीं पाए। तो इस तरह जोड़ जोड़ के जो सब्सटेंस बनता है, हर एक छोटे छोटा पदार्थ जोड़ के या मॉलिक्यूल्स जोड़ के जो एक बड़ा पदार्थ या सब्सटेंस बनता है, उसको लिविसिबिलिटी कहा जाता है। इसी तरह कोहेसन फोर्स होता है। कोहेसन फोर्स मतलब होता है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोहेसन फोर्स जो लिखा गया है और एडिशन फोर्स लिखा गया है। हर एक सब्सटेंस के भीतर में एक अट्रैक्शन फोर्स रहता है छोटा छोटा पार्टिकल्स को, उसको हम लोग कोहेसन फोर्स कहते हैं, जिसके कारण एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के रहता है। और एडिशन मतलब हर एक सब्सटेंस के भीतर में, हर एक सब्सटेंस दूसरे किसी सब्सटेंस के साथ उसका अट्रैक्शन नहीं रहता है, दूसरे सब्सटेंस के साथ उसका कोई जो अपने ओर जो खींचने का एक जो प्रक्रिया होता है, वो प्रक्रिया हर एक सब्सटेंस के भीतर में एग्जिस्ट करने वाला हर एक मॉलिक्यूल्स के भीतर रहता है, लेकिन दूसरे पदार्थ के साथ इस पदार्थ का कोई भी मेल नहीं रहता है। तो मेल नहीं रहता, इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ग्लास का एक टुकड़ा ले लीजिए, उस टुकड़े को आप अगर पानी में रखिएगा, पानी का बहुत सारा बूंदे देखिएगा कि आप उस ग्लास के टुकड़े के ऊपर आकर जमा हो जाता है। तो छोटा छोटा जो बूंदे आकर जमा होते हैं ग्लास के ऊपर या जो ग्लास के टुकड़े के ऊपर जमा होता है, तो इसका हम लोग कहते हैं एडिशन, एडिशन फोर्स कहा जाता है। तो एडिशन फोर्स के कारण होता है बहुत सारा पार्टिकल्स एक जगह में जो जमा होता है, जमा होकर जो अट्रैक्शन काम करता है या आकर्षण का जो काम करते हैं, उसका एडिशन कहा जाता है। पोरोसिटी उसके बाद आता है, पोरोसिटी, पोरोसिटी का मतलब होता है हर एक सब्सटेंस के भीतर जो बहुत सारा छोटा छोटा पोर्स रहता है, छोटा छोटा होल्स रहता है, जिसका खाली आँख से आप लोग देख नहीं पाओगे। तो खाली आँख से देख नहीं पाएंगे, इसी कारण से क्या होता है, बहुत सारा मान लीजिए ईंट हो, ब्रिक्स हो, या लेदर्स हो, या लकड़ी का कोई टुकड़ा हो, इस तरह हर एक सब्सटेंस के भीतर ही बहुत सारा छोटा छोटा पोरोसिटी या पोरस पाया जाता है, जो खाली आँख से दिखाई नहीं जाता है। मान लीजिए पेपर में अगर काली गिर जाता है, पेन का कहीं स्याही गिर जाता है, तो उस स्याही को खींचने के लिए हम लोग ब्लॉटिंग पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लॉटिंग पेपर का इस्तेमाल करने के लिए, जो हम लोग ब्लॉटिंग पेपर इस्तेमाल करते हैं, ब्लॉटिंग पेपर के भीतर भी बहुत सारा छोटा छोटा पोर्स या होल्स पाया जाता है, जो खाली आँख से दिखाई नहीं देता है। तो स्याही क्या होता है, उस पोर्स के भीतर में अपने आप अट्रैक्टेड होकर खींच जाता है, तो बाकी क्या होता है, काली पूरा सूज जाता है। तो इसको, इस जो प्रॉपर्टी है, इसको पोरोसिटी कहा जाता है। इसके बाद आता है इनर्शिया। इनर्शिया मतलब होता है हर एक सब्सटेंस, मान लीजिए जो जिस बुक पे हम लोग लिख रहे हैं, ये बुक अभी स्टेबल है। स्टेबल मतलब उसके में कोई मोशन